वेलकम टू कारलैंड। आज हम रिव्यू कर रहे हैं 2020 वोक्सवैगन टिगवन ऑलस्पेस का। टिगवन ऑलस्पेस इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और इसकी प्राइसिंग है ₹33.12 लाख एक्सशोरूम इंडिया। टिगवन एक ही फुली लोडेड वेरिएंट में लॉन्च हुई है। ऑलस्पेस CBO इंपोर्ट है इंडिया में, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग कंपिटिटर से थोड़ी ज़्यादा है। टिगवन ऑलस्पेस में दिया है BS6 कंप्लाइंट 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विथ 190 BHP एंड 320 Nm टॉर्क, मेटेड टू अ 7-स्पीड DSG ऑटो गेयर बॉक्स। और टिगवन ऑलस्पेस 4-व्हील ड्राइव कार है। हम जिस टिगवन का रिव्यू कर रहे हैं ये R-Line वेरिएंट है, जिस पे कुछ स्टाइलिश एलिमेंट जैसे लार्जर अलॉयज, स्पोर्टी बम्पर्स दिए हैं। और लॉन्च टिगवन में इनमें से कुछ स्टाइलिंग एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी फीचर्स सभी सेम मिलते हैं। टिगवन ऑलस्पेस 7-सीटर कार है और इसकी लेंथ 215 mm ज़्यादा है नॉर्मल 5-सीटर टिगवन से। टिगवन 7 कलर्स में अवेलेबल है, ऑरेंज, वाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लैक, ब्लू और रेड। टिगवन ऑलस्पेस कम्पीट करेगी स्कोडा कोडियाक, टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडीवर से। तो चलिए टिगवन के एक्सटीरियर्स देखते हैं। आगे की तरफ आपको मिलता है ऑटो LED हेडलाइट्स विद एडेप्टिव फ्रंट लाइट सिस्टम, LED DRLs एंड LED इंडिकेटर्स, जो काफ़ी स्टाइलिश लगती है। फ्रंट लाइट वॉशर्स भी दिए हैं। ग्रिल पर है R-Line बैच। बम्पर्स पर नीचे है फॉग लैम्प्स और पार्किंग सेंसर्स सराउंडेड बाय ग्लॉस ब्लैक डिज़ाइन। नीचे है लार्ज एयर वेंट विद क्रोम स्ट्रिप। सेंटर में है टिपिकल Volkswagen ग्रिल विद 2 क्रोम स्लैट्स और VW लोगो। इस R-Line ट्रिम में काफ़ी एग्रेसिव लगती है टिगवन और काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन वाले बम्पर्स दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छा लुक देते हैं फ्रंट से टिगवन को। इस शो कार में 20-इंच के ड्यूल टोन ब्रेजिल्टन अलॉयज दिए हैं विद लो प्रोफाइल टायर्स, जो काफ़ी स्पोर्टी लुक देते हैं। बट लॉन्च एडिशन में आपको 18-इंच के सिल्वर अलॉयज मिलते हैं। क्वार्टर पैनल पर है R-Line बैच सराउंडेड बाय क्रोम गार्निश। ऊपर दिए हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल मिरर्स विद LED इंडिकेटर्स। विंडोज आर सराउंडेड बाय क्रोम। डोर पर भी नीचे क्रोम गार्निश दिया है। रूफ पर है लार्ज पैनोरामिक सनरूफ, ब्रश्ड मेटालिक रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना। पीछे दिए हैं 3D LED टेल लैंप्स। उसके नीचे है 4Motion बैज, जो बताता है कि ये 4-व्हील ड्राइव है। सेंटर में है Volkswagen लोगो। बम्पर्स पर नीचे है रिफ्लेक्टर्स, क्रोम गार्निश, पार्किंग सेंसर्स, ड्यूल क्रोम एग्जॉस्ट डिज़ाइन और डिफ्यूज़र्स। चलिए बूट स्पेस देखते हैं। टिगवन ऑल स्पेस में इलेक्ट्रिक बूट ओपन और क्लोज का फंक्शन मिलता है। आपको 340 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है विथ ऑल 7 सीट्स अप, और सीट्स को फोल्ड करके आप 1274 लीटर्स का बूट स्पेस पा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है। बूट सिल और फ्लोर हाइट सेम है, तो सामान स्लाइड करने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ ऊपर दिया है इलेक्ट्रिक बूट क्लोज का बटन। नंबर प्लेट एरिया के ऊपर दिया है रेयर पार्किंग कैमरा। इलेक्ट्रिक बूट में बाउंस बैक का फंक्शन भी दिया गया है। रेयर ग्लास पर है वाइपर विथ वॉशर, रेयर डिफॉगर और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप विथ ग्लॉस ब्लैक स्पॉइलर। चलिए इंटीरियर्स देखते हैं। इस R-Line वेरिएंट में आपको जेट ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं, बट लॉन्च वेरिएंट में ब्लैक एंड बीच का इंटीरियर कॉम्बिनेशन दिया है। डोर पर है कार्बन फाइबर ट्रिम, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रोम डोर हैंडल, इलेक्ट्रिक मिरर और पावर विंडो स्विचेस। ग्रैब हैंडल पर सॉफ्ट लेदर पैडिंग दिया है। नीचे है 1 लीटर की बॉटल का स्टोरेज स्पेस। डोर सील पर है एल्यूमिनेटेड एल्यूमिनियम स्कफ प्लेट। ऑल स्पेस में आपको 12-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लेदर सीट्स विद लंबर सपोर्ट मिलती है विद 3 मेमोरी ऑप्शंस फॉर ड्राइवर। चलिए बैठकर देखते हैं। ऑल स्पेस में आपको 12.3 इंच का वर्चुअल कॉकपिट मिलता है। इसमें आप रेंज, एवरेज, डिजिटल स्पीड, ट्रिप मीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, TPMS, नेविगेशन, व्हीकल स्टेटस, क्रूज कंट्रोल सेटिंग्स, फ़ोन, मीडिया जैसे फीचर्स देख सकते हैं। साथ ही इसके लुक्स को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। और VW ग्रुप का वर्चुअल कॉकपिट वन ऑफ द बेस्ट है कार इंडस्ट्री में। यह है टिगवन का स्पोर्टी फ्लैट बॉटम लेदर रैप स्टेरिंग व्हील। स्टेरिंग पर लेफ्ट में है क्रूज कंट्रोल और वॉल्यूम बटन्स, राइट में है वर्चुअल कॉकपिट, वॉइस असिस्टेंट और मीडिया कंट्रोल बटन्स। स्टेरिंग के पीछे लेफ्ट में है लाइट कंट्रोल्स, राइट में है वाइपर कंट्रोल्स। पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। राइट साइड में है AC वेंट्स सराउंडेड बाय क्रोम। उसके नीचे है हेड्स अप डिस्प्ले बटन और लाइट कंट्रोल्स। टिगवन में आपको 5 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट और इंडिविजुअल। ऑफ रोड मोड्स भी दिए हैं। साथ ही आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का डेटा भी यहां पर देख सकते हैं। ऊपर है AC वेंट्स सराउंडेड बाय क्रोम। इस सिस्टम पर आप रिवर्स पार्किंग कैमरा और पार्क असिस्ट डेटा भी देख सकते हैं। पार्क असिस्ट बटन दबाकर इस डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं आप। टिगवन में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, ब्लूटूथ, AUX, SD कार्ड, नेविगेशन और वॉइस असिस्टेंट।
टिगवान में 3 जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम मिलता है विद हीटेड फ्रंट सीट्स। यहाँ ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया है। इस एसी सिस्टम का डिस्प्ले आप इंफोटेनमेंट सिस्टम पर देख सकते हैं। नीचे है 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट, 2 USB पोर्ट्स और ऑक्स पोर्ट। रबराइज्ड पैडेड एरिया दिया है फ़ोन रखने के लिए। यह है टिगवान का 7-speed DSG लेदर रैप्ड गेयरबॉक्स। स्टेयरिंग के राइट में है कीलेस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक स्विच और ऑटो होल्ड बटन। पीछे है 4 motion कंट्रोल नॉब। टिगवान में आपको 4 ऑफ रोड मोड्स मिलते हैं, स्नो मोड, ऑन रोड मोड, ऑफ रोड मोड और ऑफ रोड कस्टम मोड। लेफ्ट में है पार्क असिस्ट, ऑटो पार्क और टर्न ऑफ इंजन वन आइडल बटन। पीछे है ये स्लाइडेबल ट्रे जिसके नीचे 2 कप होल्डर्स दिए हैं। लेदर सेंटर आर्म्स के नीचे भी स्टोरेज स्पेस दिया गया है। ऊपर दिया है फ्रेमलेस ऑटोडिमिंग डे नाइट मिरर। उसके पीछे है रीडिंग लैंप्स और सनरूफ स्विच। माइक भी दिया है फॉर वॉइस असिस्टेंट एंड कॉलिंग। पीछे दिया है इमरजेंसी SOS बटन। ये है टिगवान का लार्ज पैनोरामिक सनरूफ विद बाउंस बैक फंक्शन। इंटीरियर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑल स्पेस में आपको हेड्सअप डिस्प्ले में मिलता है जिसमें आप स्पीड और नेविगेशन देख सकते हैं। स्टीयरिंग के राइट में इस बटन से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं और हेड्सअप डिस्प्ले ड्राइविंग के वक्त आपको काफ़ी यूजफुल होता है। चलिए अब पीछे देखते हैं। पीछे भी डोर पर है क्रोम डोर हैंडल, कार्बन फाइबर ट्रिम और पावर विंडो स्विच। नीचे है 1 liter बॉटल स्टोरेज स्पेस। ये सॉफ्ट लेदर फिनिश काफ़ी प्रीमियम लगता है डोर्स पर। पीछे सॉफ्ट टच प्लास्टिक दिया है। यह है टिगवान ऑल स्पेस की 2nd रो सीट्स। चलिए बैठकर देखते हैं। ऑल स्पेस में आपको ये एयरक्राफ्ट स्टाइल ओपनेबल ट्रे मिलता है, काफ़ी स्टिफ है तो इस पर आप लैपटॉप भी रख सकते हैं। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है ऑल स्पेस में। मेरी हाइट 5'11" है और फ्रंट सीट मेरे अकॉर्डिंग ही एडजस्टेड है। काफ़ी कंफर्टेबल है रेयर सीट्स। पीछे आपको AC वेंट्स मिलते हैं विद टेम्परेचर कंट्रोल। नीचे दिया है 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट और USB पोर्ट। सेंटर फ्लोर टनल हाइट थोड़ी ज़्यादा है बट कोई परेशानी नहीं होगी सेंटर पैसेंजर को क्योंकि लेग स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। रूफ पर साइड में है रीडिंग लैंप। पीछे से भी काफ़ी बड़ा लगता है यह पैनोरामिक सनरूफ। 2nd रो सीट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं 3rd रो में स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। सीट्स को आप स्लाइड और रिक्लाइन दोनों कर सकते हैं। सीट्स को फुल आगे करने पर भी आपको डिसेंट लेग स्पेस मिलता है 2nd रो में। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, TPMS, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर जैसे फीचर्स मिलते हैं। टिगवान ऑल स्पेस SUV तो काफ़ी अच्छी है बट पता नहीं सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ये कितनी सक्सेसफुल होगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोग मोस्टली डीजल SUVs ही प्रीफर करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोबाइल रिलेटेड न्यूज़ और रिव्यूज़ के लिए।